आज मैं आपको जो करंट प्रेशर चल रहा है इंडियन कैपिटल सिटी दिल्ली या गुरुग्राम के ऊपर और जो उसका ड्रेनेज का डिलेमा है, आज मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। किस तरह से मानसून के टाइम पर दिल्ली और गुड़गांव पूरी तरह से पानी से लबालब हो जाता है, वाटर लॉगिंग आपको हर जगह दिखती है स्ट्रीट्स के ऊपर, मतलब इवन आपका जीवन पूरी तरह हेल हो जाता है, और यही दिवाली आते आते तक पॉल्यूशन के लेवल से आप एकदम त्राहिमान हो जाते हैं। तो आज इसी इम्पॉर्टेंट इशू के बारे में जो दिल्ली और गुरुग्राम के अंदर है, बेसिकली पूरे NCR में जो प्रॉपर ये जो दिक्कत आ रही है मानसून से लेकर दिवाली के बीच की, आज मैं इसी इम्पॉर्टेंट इशू के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। इसके क्या मेन रीजंस है इस वीडियो में आज मैं आपको वो बताऊंगा, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर या अर्बनाइजेशन में क्या क्या खामियां यहाँ पर आ रही हैं, क्या प्लानिंग की ज़रूरत है, मैं वो भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले दिल्ली के बारे में बात करेंगे, फिर गुरुग्राम के बारे में बात करेंगे, और फिर इससे कैसे निपटा जाए इसके बारे में बात करेंगे, और क्या है इसका रियल एस्टेट कनेक्शन हम इसके बारे में बात करेंगे। चूंकि चैनल रियल एस्टेट का है तो रियल एस्टेट कनेक्शन भी आपको समझना चाहिए। प्रॉपर्टी जो आप खरीद रहे हैं ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको कंसिडर करना चाहिए। तो चलिए आज इस वीडियो में डिटेल में आपको मैं इसके बारे में बताता हूँ। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा, प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं, नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दिल्ली का ड्रेनेज का डिलेमा, इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। जिस हिसाब से कैपिटल में अक्सर आप देखेंगे कि एनुअल फ्लड आता ही आता है, और उस फ्लड का संकट बहुत ही गहरा होता है। आप कैपिटल के अंदर इस तरह की प्लानिंग है कि फ्लड आ रहा है, ये अपने आप में बहुत चिंता का विषय है। और फिर दिवाली के आते आते तक आप देखते होंगे कि एयर पॉल्यूशन और साथ में ब्लैक यमुना वाटर का मुद्दा गर्मा जाता है, क्योंकि छठ आने वाली है। छठ में जब स्नान करने की बारी आती है तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग यमुना के बारे में अपने अपने बयान देने लगते हैं। कोई किसी पर ब्लेम करता है, कोई किसी पर ब्लेम करता है। ये इशू बहुत ही गहरा है। दिल्ली चूंकि हार्ट ऑफ इंडिया है, करीब 20 मिलियन लोग यहाँ पे रहते हैं, और इस कैपिटल की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है पूरे इंडिया के मैप पे। दिल्ली इस चैलेंजेस को रेगुलर फेस कर रहा है, लेकिन इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है। जो स्ट्रेस रिवर्स के ऊपर आ रहा है और पूरी दिल्ली जलमग्न हो रही है, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन जैसे डिस्ट्रप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गए, और ये हर साल बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ठीक नहीं हो रहे हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले समझते हैं कि दिल्ली की ज्योग्राफी क्या है। दिल्ली एक बोल लाइक डिप्रेशन है, जहाँ नेचुरल जल निकासी यमुना नदी की ओर होती है। तो इस भू आकृति के कारण शहर स्वाभाविक रूप से जल भराव की चपेट में आ ही जाता है, ना चाहते हुए भी आ जाता है। इसको और समझने के लिए इसको समझना पड़ेगा इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर आउटडेटेड है। दिल्ली का जो ड्रेनेज मास्टर प्लान है वो 1976 में अपडेट हुआ। इसके ऊपर AK गुसैन, जो कि IIT दिल्ली के प्रोफेसर हैं, मैंने पढ़ा उनका एक इंटरव्यू, तो उसमें वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जो इसका ड्रेनेज सिस्टम है वो करीब 15 mm पर आर के रेनफॉल के हिसाब से इसकी इंटेंसिटी है, लेकिन ये देखा जाता है कि बारिश यहाँ 100 mm पर आर के हिसाब से भी कई बार आ जाती है। तो जो इसका एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इसको कोप अप करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। तो उसका वॉल्यूम इतना बढ़ जाता है, 15 mm की जगह 100 mm बढ़ जाता है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर इतना कैपेबल नहीं है जो इसे कोप अप कर पाए। और फिर रैपिड अर्बनाइजेशन को भी आपको समझना होगा। दिल्ली के अंदर जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक्सप्लोजिव ग्रोथ हुई है पॉपुलेशन के मामले में पिछले कुछ दशकों के अंदर, और ये जो रैपिड अर्बनाइजेशन हुआ है इसके कारण से अक्सर आप देखते हैं कि एनक्रोचमेंट ऑन नेचुरल ड्रेनेज पाथ, ये भी आपने बहुत देखा होगा। और फिर रिडक्शन ऑफ प्रीमेबल सर्विसेज, जैसे कि आपने देखा होगा इंटरलॉकिंग टाइल्स होती हैं, उनके बीच में स्पेस होता है। अगर स्पेस होता है तो पानी नीचे चला जाता है और ग्राउंड से जो मिट्टी है वो उसे अब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन कंक्रीट का जंगल बनता जा रहा है, तो जंगल बनने के कारण पानी ज़मीन तक पहुंच नहीं पाता, वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। फिर जो एग्जिस्टिंग ड्रेनेज सिस्टम है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो रहा है, ये बहुत बड़ी समस्या है। फिर अब आपको बताता हूँ इसके क्लाइमेट चेंज के बारे में।
क्लाइमेट चेंज, जिस हिसाब से जलवायु में परिवर्तन आया है, अनप्रिडिक्टेबल रेनफॉल पैटर्न्स देखने को मिल रहे हैं, और उसके बाद पहले से जो सिस्टम है ड्रेनेज सिस्टम वो सफिशिएंट नहीं है, और एडिशनल जो प्रेशर है वो इस ड्रेनेज सिस्टम को और वीक कर देता है। जो इसकी सीवरिटी है वो तब देखी गई जब जुलाई 2023 के अंदर दिल्ली ने एक्सपीरियंस किया कि मतलब 45 साल के बाद एक फ्लड जैसी सिचुएशन फेस की यमुना रिवर, जो कि 208.66 मीटर तक पहुंच गई, जिसका प्रीवियस हाई जो गया था वो 1978 में गया था। तो 45 साल के बाद करीब ऐसा मंजर देखने को मिला कि पूरी दिल्ली जलमग्न हो चुकी थी। इसका रिजल्ट हुआ कि करीब 27,000 लोगों को वहां से निकालना पड़ा, और जो प्राइम एरियाज थे वो पूरी तरह जलमग्न हो चुके थे, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से डैमेज हो गया था। मैं इसे अगर सही शब्दों में डिस्क्राइब करूं तो ये मैन मेड डिजास्टर है, और इसका सबसे बड़ा कारण है कि एंक्रोचमेंट जो है वो फ्लड प्लेन्स के ऊपर हो रही है। ये अपने आप में बहुत ही खतरनाक है। वैसे आप कहते हैं कि स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव हम लोग ले रहे हैं और वर्ल्ड क्लास मेट्रो सिस्टम इसके अंदर इंस्टॉल्ड है, लेकिन हम फ्लड के स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पा रहे। अब समझते हैं इसके इकोनॉमिक कॉस्ट के बारे में। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स ने एस्टीमेट किया कि दिल्ली करीब 200 करोड़ रुपए सालाना फ्लड और वाटर लॉगिंग की वजह से बर्बाद कर रही है, लेकिन असली बात यह है कि जो एक्चुअल कॉस्ट है वो इससे कहीं आगे है, क्योंकि हमें ये भी इंक्लूड करना चाहिए कि प्रोडक्टिविटी क्या हो रही है। अगर डिस्ट्रप्शन कम है, मानसून के टाइम पे आप देखेंगे डिस्ट्रप्शन नहीं है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी रेगुलर जारी रहती है। फिर लोअर मेंटेनेंस कॉस्ट आती है पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर या प्राइवेट प्रॉपर्टीज के ऊपर, पानी के जल भराव के कारण जो कॉस्ट है मेंटेनेंस कॉस्ट वो काफ़ी बढ़ जाती है। फिर टूरिज्म की बात करें तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर रिलायबल है तो ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को भी काफ़ी बूस्ट मिलता है। फिर बिजनेस कॉन्फिडेंस की बात करें तो ऐसी सिटीज जो डिपेंडेबल इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसका, वहाँ हर कंपनी इन्वेस्ट करना चाहती है, उसे लगता है कि यहाँ हमारा पैसा सेफ है, यहाँ डिस्ट्रप्शन नहीं होगी। तो अब तक आप ये समझ चुके होंगे कि दिल्ली की ड्रेनेज प्रॉब्लम जो है आंतरिक रूप से अर्बन प्लानिंग जो है उसकी हिस्ट्री के से रिलेटेड है। तो चलिए इस कनेक्शन को भी समझाता हूँ, हिस्ट्री कंटेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। दिल्ली का जो अर्बनाइजेशन हुआ था वो एक्सलरेट हुआ पोस्ट इंडिपेंडेंस, जी हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी हुई, लेकिन सिटी का जो एक्चुअल एक्सपेंशन हुआ वो 1960 और 1970s के बीच में हुआ, लेकिन उस समय वाटर मैनेजमेंट के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया, या मैं कहूँ प्रॉपर ध्यान नहीं दिया गया। अब बात करते हैं इसके मास्टर प्लान की। दिल्ली के कई मास्टर प्लान आए लेकिन इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं हो पाया। करंट मास्टर प्लान 2021 की बात करें तो वो ज़रूर वाटर मैनेजमेंट इश्यूज को कंसिडर करता है, लेकिन अलग अलग आलोचक मानते हैं कि निकासी को व्यापक रूप से संबोधित करने के लिए ये पूरी तरह से पर्याप्त नहीं है, इसमें और चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत है। फिर अनऑथराइज कॉलोनीज, जी हाँ, जिस हिसाब से अनऑथराइज कॉलोनीज फैली हैं, मतलब बहुत सारे घर बन चुके हैं, और ये इतना कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है कि यहाँ ड्रेनेज चाह के भी नहीं किया जा सकता। प्रॉपर सीवरेज और स्ट्रॉन्ग वाटर मैनेजमेंट सिस्टम नाम की कोई चीज ही नहीं है। और ग्रीन कवर लॉस, दिल्ली फॉरेस्ट जो कि डिक्रीज हुआ है 12.12% 1999 में और अब 10.99% 2021 के अंदर, जिससे क्या होता है कि नेचुरल वाटर जो एब्जॉर्ब करता है सॉइल हमारा वो कहीं हद तक खत्म हो जाता है। तो क्या है इसका यमुना फैक्टर, इसको भी समझाता हूँ आपको मैं। यमुना जैसा आप सब जानते हैं क्रूशियल रोल प्ले करती है दिल्ली की ड्रेनेज इकोसिस्टम में। यहाँ पर फ्लड प्लेन एनक्रोचमेंट आप देखेंगे, एनक्रोचमेंट यमुना के फ्लड प्लेन में इतनी ज़्यादा हो रही है कि जो उसकी कैपेसिटी है हैंडल करने की एक्सेस वाटर को वो पूरी तरह खत्म होती जा रही है। और इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आप सब ने देखा है अक्षरधाम टेम्पल कॉम्प्लेक्स, जो कि यमुना के बेल्ट के ऊपर ही बना हुआ है, और कॉमनवेल्थ गेम्स ये भी आपने देखा होगा कि वो इसी बेल्ट के ऊपर सरकार ने किए हैं। वाटर क्वालिटी, पुअर वाटर क्वालिटी जो यमुना की है, इससे जो कि इसमें एक्चुअल में अनट्रीटेड सीवरेज वाटर इसके अंदर डल रहा है, तो इसका इम्पैक्ट ये आता है कि गाद के साथ जब पानी वहाँ इकट्ठा हो जाता है तो फ्लड इश्यूज ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मिट्टी का लेवल इतना हो जाता है कि पानी वहाँ पे बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, या उसे बड़ा रहने की जो ज़रूरत है वो गाद से कवर हो जाती है, इस कारण से भी ऐसे इश्यूज आते हैं। फिर रिस्टोरेशन एफर्ट्स, कुछ रिस्टोरेशन एफर्ट्स भी किए गए, जैसे हमने एक्शन प्लान बनाया गया कि इन इश्यूज को एड्रेस किया जाए, और जो लेटेस्ट प्लान चल रहा है वो YAP यमुना एक्शन प्लान 3 चल रहा है।
इसमें कुछ ऐसे सीवरेज को इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी इम्प्रूव किया गया। तो चलिए अब बात करते हैं गुड़गांव के ड्रेनेज डिलेमा के बारे में। गुड़गांव जिसे कि आप सब जानते हैं, आप गुरुग्राम के नाम से जाना जाता है, इसमें भी कम ड्रेनेज के चैलेंजेस नहीं है, ऑलमोस्ट दिल्ली के जैसे ही है। और रैपिड अर्बनाइजेशन आप सिटी की देखेंगे तो बहुत हुई है, जिसका इमेंस प्रेशर पड़ता है नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर। बादशाहपुर ड्रेन जिसे आप सब जानते हैं, गुड़गांव की प्राइमरी स्ट्रॉन्ग वाटर चैनल है ये, और ये बहुत क्रूशल रोल प्ले करता है। मतलब ये ऑलमोस्ट यमुना की तरह ही इसकी हालत है। 28 किलोमीटर का ये ड्रेन, ये ओरिजिनेट होता है अरावली हिल से, और इसका फ्लो जो है वो सिटी के अंदर से होता हुआ और फिर नजफगढ़ ड्रेन या शाइबी रिवर में जाके कनेक्ट होता है, और मानसून के वाटर को भी ये कैरी करता है। लेकिन फ्रीक्वेंटली आप देखेंगे ओवरफ्लो जैसी सिचुएशन हैवी रेन्स के टाइम पे होती है, और जब ओवरफ्लो होता है तो वाटर लॉगिंग जैसे इश्यूज पूरी सिटी के अंदर हो जाते हैं, क्योंकि सिटी के पास कोई 12 मासी रिवर नहीं है। जो क्लोजेस्ट रिवर है, जैसे मैंने बताया कि शाइबी रिवर ही है, जिसको नजफगढ़ ड्रेन भी कहते हैं, और ये शहर के उत्तरी किनारे से होकर गुजरता है। वैसे अगर हिस्टोरिकली बात करें तो ये रिवर अपने आप में एक रीजन्स ड्रेनेज को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन अर्बनाइजेशन और एनक्रोचमेंट ने इसको भी नहीं छोड़ा। इसके भी आसपास देखेंगे तो हुड्डा के बहुत सारे सेक्टर्स बन गए और वहाँ कई अप्रूवल्स भी मिली। तो जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं इन ड्रेनेज सिस्टम पे इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही। अब एक तो मैंने बादशाहपुर ड्रेन के बारे में आपको बता दिया, 2 ड्रेनेज सिस्टम और हैं जिसका काम पूरी तरह कम्प्लीट नहीं हुआ है। जो फाइनल आप देखेंगे तो द्वारका एक्सप्रेस वे पे सेक्टर 107 के पास आके रुकी हुई है। चूँकि ये पूरी तरह से बनी नहीं है तो उसका इम्पैक्ट ये होता है कि बादशाहपुर ड्रेन पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। गुरुग्राम में सिर्फ बादशाहपुर ड्रेन ही नहीं है, और भी कई फैक्टर्स हैं, जैसे लॉस ऑफ नेचुरल वाटर बॉडीज। बहुत सारी सिटीज़ के अंदर जो नेचुरल पॉन्ड बने थे, लेक बने हुए थे, जो फ्लड बफर को कहीं हद तक एब्जॉर्ब कर लेते थे, वो अब डिसअपेयर हो चुके हैं, क्योंकि अनप्लान्ड डेवलपमेंट यहाँ हुई है। इनएडिक्वेट स्ट्रॉन्ग वाटर स्ट्रक्चर, जो ड्रेनेज सिस्टम है वो प्रॉपर इक्विप्ड नहीं है कि वो वाटर जो रेनफॉल के टाइम पर आ रहा है या मानसून के टाइम पर आ रहा है उसको मैनेज कर पाए। फिर कंसेंट्राइजेशन, जिस हिसाब से पेव्ड सरफेस ड्रामेटिकली बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो उससे ये नुकसान हुआ है कि जो वाटर एब्जॉर्ब ग्राउंड करता है उसकी एबिलिटी बहुत कम हो गई है। तो ये इश्यूज तब बहुत ज़्यादा बढ़ गए जब जुलाई 2016 में गुरुग्राम ने एक्सपीरियंस किया कि पूरी तरह से सब कुछ ब्लॉक हो गया। लोग उसे गुरु जाम भी कहने लग गए। ट्रैफिक ग्रिड ब्लॉक देखने को मिला, वाटर लॉगिंग पूरी तरह से एरिया में फैल चुकी थी, और करीब 20 घंटे इकोसिस्टम जो है वो पूरी तरह से पैरालाइज हो चुका था। और ये इवेंट जो है ये हाईलाइट किया इसने कि यहाँ की भी अर्बन प्लानिंग या ड्रेनेज मैनेजमेंट सिटी बहुत अच्छी नहीं है, ये भी कहीं हद तक पुअर है। लेकिन इसके लिए एफर्ट्स भी किए गए। गुरुग्राम GMDA, गुरुग्राम की जो मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इसने अपने आप में कम्प्रिहेंसिव ड्रेनेज सिस्टम भी बनाया। इसमें जो गाद अक्सर आप देखते हो ड्रेनेज सिस्टम के अंदर नीचे काफ़ी काई जम जाती है, उस गाद को निकालने के लिए प्रॉपर वर्क किया, वाइडनिंग के लिए काम किया ड्रेनेज सिस्टम के लिए, क्रिएशन ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाया, रिवाइवल किया बहुत सारी वाटर बॉडीज़ को। ये अपने आप में एक अच्छे कदम थे, लेकिन दिल्ली और गुरुग्राम का जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो उसका सॉल्यूशन है, वो कहीं हद तक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के लिए रिक्वायरमेंट होती है। इसमें एक बैलेंस अर्बन डेवलपमेंट या इकोलॉजिकल प्रिजर्वेशन तभी हो पाएगा। प्रॉपर बैलेंस डेवलपमेंट अभी भी पूरी तरह से नहीं होता नजर आ रहा। सरकारें कोशिश ज़रूर कर रही है, चाहे वो दिल्ली हो या गुरुग्राम में, कि इस सिस्टम को बेटर बनाया जाए, लेकिन एनक्रोचमेंट जब तक नहीं ख़त्म होगी तब तक इसका हो पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। यहाँ ज़रूरत है कि कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स दिल्ली और गुरुग्राम, या मैं कहूँगा पूरे NCR के बीच में कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स हो, जिसमें इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज पे डिस्कस किया जाए। जो नेचुरल वाटर सिस्टम है, कैसे उसका फ्लो बने, उसको अर्बन प्लानिंग के अंदर अच्छे से इंकॉर्पोरेट किया जाए, तब एक सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग बन पाएगी। इसकी ज़रूरत दिखती है। सीवरेज मैनेजमेंट एंड ड्रेनेज, क्या है इसका कनेक्शन? जैसा कि आप सब जानते हैं, ड्रेनेज जो है, ड्रेनेज के जो इश्यूज हैं, वो कहीं हद तक सीवरेज मैनेजमेंट के साथ क्लोजली टाइड है। ट्रीटमेंट कैपेसिटी, 2021 की बात करें तो जो दिल्ली की कैपेसिटी है 597 मिलियन गैलन को ट्रीट करने की है, लेकिन सीवरेज कितना जनरेट होता है? करीब 720 MGD, तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा है। फिर मिक्सिंग ऑफ सिस्टम, बहुत सारे एरिया में देखेंगे आप स्ट्रोम
वाटर जो ड्रेनेज है वहाँ सीवरेज लाइन इंटरकनेक्ट है, तो इससे क्या होगा, कहीं हद तक कंटेमिनेशन होगा, इससे ड्रेनेज की एफिशिएंसी कम हो जाएगी, नेचुरल हो या सीवरेज की सिस्टम हो, उन आपस में कनेक्शन होने के कारण दोनों की व्यवस्था खराब होती है। अब इनफॉर्मल सेटलमेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं दिल्ली में लगभग 45% आबादी अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में रहती है, जिनमें से कई में उचित सीवरेज सिस्टम का पूरी तरह से अभाव है, जिससे वाटर ड्रेनेज जैसी व्यवस्था पर काफ़ी ज़्यादा दबाव पड़ता है। अब क्या रोल है ड्रेनेज सिस्टम का अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में, काफ़ी हद तक आप समझ चुके होंगे, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट समझने वाली चीज़ है कि ये नेटवर्क ऑफ पाइप का चैनल नहीं है, ये ड्रेनेज सिस्टम अपने आप में एक फंडामेंटल कंपोनेंट है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर का, जिसका इम्पैक्ट सिटी की लाइफ और डेवलपमेंट पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। रोड की जो लॉन्गेविटी है उस पर फर्क पड़ता है, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम अगर है तो रोड्स खराब नहीं होंगे, प्री मैच्योर डिटोरिनेशन नहीं होगा, पैथ होल्स नहीं आएंगे, क्रैक नहीं पड़ेंगे, इसका मतलब है कि बेहतर सड़कें जो लंबे समय तक चलेंगी, कम बार मरम्मत करने की आवश्यकता होगी इसकी। स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी, एफेक्टिव ड्रेनेज सिस्टम से जो बिल्डिंग के फाउंडेशंस हैं वो कहीं हद तक डैमेज नहीं होंगे, तो ओवरऑल जो अर्बन मोबिलिटी है वो होती रहेगी, दूसरी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। अब क्या है इसका रियल एस्टेट कनेक्शन, ये भी आपको समझाता हूँ। क्वालिटी ऑफ सिटी ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर। प्रॉपर्टी वैल्यू, अगर आप देखेंगे कि प्रॉपर एरिया के अंदर ड्रेनेज सिस्टम है, गुड ड्रेनेज सिस्टम है, तो उस एरिया में हायर या मोर स्टेबल प्रॉपर्टी वैल्यूज होंगे, प्राइजेज होंगे। एक स्टडी कहती है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, IIM अहमदाबाद के अंदर फ्लड प्रोन एरियाज में, जैसे कि मुंबई है, उन एरियाज में जो कि फ्लड प्रोन एरियाज के पास है, जो नहीं है उनके प्राइसेस वही 12-19% के बीच में डिफरेंस आ जाता है। फिर इन्वेस्टमेंट अट्रैक्टिवनेस, अगर रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है या इफेक्टिव ड्रेनेज सिस्टम है तो इससे मोर इफेक्टिव रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट हो पाएगी, इससे डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ दोनों होगा। फिर इंश्योरेंस कॉस्ट, ऐसी प्रॉपर्टीज जहाँ पुअर ड्रेनेज सिस्टम है वहाँ हायर इंश्योरेंस प्रीमियम आएगा, क्योंकि वहाँ फ्लड रिस्क ज़्यादा होंगे, ओवरऑल ऑनरशिप कॉस्ट उसकी इम्पैक्ट करेगी। फिर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़, जो गुड ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर है कहीं हद तक ज़्यादा लैंड वो सेफ डेवलपमेंट के लिए ओपन करता है, पोटेंशियली वहाँ ओपन हो जाती ज़्यादा लैंड अगर प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम है, नहीं तो पानी भरा रहेगा, वहाँ डेवलपमेंट का स्कोप ही नहीं रहेगा, तो उससे हाउसिंग शॉर्टेज जो अर्बन एरिया में है उससे भी हेल्प मिल सकती है पूरा करने में। क्वालिटी ऑफ लाइफ, ऐसे एरिया जहाँ इफेक्टिव ड्रेनेज सिस्टम है उससे क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बेटर होती है, लोगों की डिज़ायर बढ़ती है, वहाँ कीमत बढ़ती है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर्टिकुलरली जैसे फ्लड रेजिलेंस है ये अपने आप में इंक्रीज होते हैं, तो इंपॉर्टेंट फैक्टर जैसे रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी के टाइम पे लोगों को डिसीजन लेते टाइम दिक्कत आती है, डेवलपर्स और बायर दोनों ऐसी लोकेशंस को पसंद नहीं करते हैं, तो इसका लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन इन्वेस्टमेंट के ऊपर पड़ता है, तो इसीलिए हमारा ड्रेनेज सिस्टम का प्रॉपर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोलॉजिकल फैक्टर, जिस हिसाब से दिल्ली का अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, नेचुरल वाटर बॉडीज और फ्लड प्लेन पूरी तरह खत्म होती जा रही है। डॉक्टर फियाज खुसकर जो कि एक साइंटिस्ट है, उन्होंने यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क के ऊपर वार्न किया था कि ट्रीटिंग वेटलैंड और फ्लड प्लेन एज अ वेस्टलैंड राइप फॉर डेवलपमेंट है, सीवरिटी इंपैक्ट द सिटीज नेचुरल फ्लड एंड कंट्रोल मैकेनिज्म। द क्लाइमेट चेंज फैक्टर, ऐसा नहीं है कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, कुछ क्लाइमेट चेंज का भी इम्पॉर्टेंट रोल है। दिल्ली और गुरुग्राम ने अपने आप में दिखा है कि क्लाइमेट चेंज भी काफ़ी हुआ है, तो इसका इम्पैक्ट अर्बन एरियाज पे भी दिखा है। कई बार तो ऐसा देखने को मिला है कि इंटेंसिटी या फ्रीक्वेंसी जो है वो एग्जिस्टिंग रेनफॉल की काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, तो जिससे अर्जेंट रिक्वायरमेंट है यहाँ के अडेप्टिव मेजर्स लिया जाए अर्बन प्लानिंग के अंदर। टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज ऐसी लाई जाए जिससे इसका सॉल्यूशन हो, दिल्ली के या गुरुग्राम के ड्रेनेज सिस्टम का सॉल्यूशन हो, इसके लिए GIS मैपिंग हो सकती है, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये ड्रेनेज सिस्टम की मैपिंग करके इसको बेटर मेंटेनेंस कैसे हो या प्लानिंग कैसे की जाए उसके लिए कारगर साबित हो सकता है। रियल टाइम मॉनिटरिंग, सेंसर्स अगर इंस्टॉल कर दी जाए तो रियल टाइम मॉनिटरिंग हो सकती है, वाटर लेवल जो ड्रेन्स के अंदर है उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग आप कर सकते हैं, इससे यमुना में जो फ्लड प्रिडिक्शंस हैं या उसके मैनेजमेंट को लेके काफ़ी हेल्प मिलेगी। ट्रेंचलेस टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी एक तरह से हेल्प करती है लेइंग या रिपेयरिंग अंडरग्राउंड ड्रेनेज पाइप्स विद मिनिमल सरफेस डिस्ट्रप्शन में। सस्टेनेबल अर्बन ड्रेनेज सिस्टम SUDS, जी हाँ,
इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सुड्स कैन हेल्प मिमिक नेचुरल ड्रेनेज प्रोसेस। जी हाँ, इसकी इम्प्लीमेंटेशन से मिमिक नेचुरल ड्रेनेज प्रोसेस की नकल करने या अफवाह को कम करने और इम्प्रूविंग वाटर क्वालिटी में मदद मिल सकती है। कम्युनिटी इंगेजमेंट और पब्लिक अवेयरनेस, इसकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसे दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम को जब हम लेते हैं तो यहाँ ज़रूरत होती है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की। सबसे पहले सिटीजन इनिशिएटिव ग्रुप्स, जैसे कि दिल्ली और गुरुग्राम के अंदर यमुना जीए अभियान, इस पर वर्किंग कर रहे हैं लोग, जिससे अवेयरनेस हो रही है और लोग एडवोकेसी कर रहे हैं कि बेटर वाटर मैनेजमेंट कैसे हो। एजुकेशन प्रोग्राम चल रहे हैं जो स्कूल दिल्ली के अंदर है, इसमें ऐसे प्रोग्राम इनकॉर्पोरेट करने चाहिए जो एनवायरमेंटल एजुकेशन दे लोगों को। इससे वाटर कंजर्वेशन या मैनेजमेंट टॉपिक्स का लोगों को काफ़ी ज्ञान होगा, इससे भी काफ़ी चीज़ों की हेल्प होगी। फिर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, बहुत सारी RWA दिल्ली में ये इनिशिएटिव ले रही हैं और कुछ को लेना भी चाहिए कि लोकल वाटर हार्वेस्टिंग या ड्रेनेज मेंटेनेंस को कैसे किया जा सके। फिर इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन ऑफ पुअर ड्रेनेज सिस्टम, इकोनॉमिक कॉस्ट जो दिल्ली की ड्रेनेज प्रॉब्लम है, इससे कहीं हद तक डायरेक्ट जो इम्पैक्ट है फ्लड डैमेज का आता है। प्रोडक्टिविटी लॉस, या प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है वाटर लॉगिंग जैसे इश्यूज के कारण, जो एसोसिएटेड ट्रैफिक है उसमें डिस्ट्रप्शन आता है और कई करोड़ रुपीज का लॉस होता है। हेल्थ कॉस्ट, कहीं हद तक वाटर बॉर्न डिजीज बन जाते हैं मानसून के टाइम पे, जिससे पब्लिक हेल्थ पे एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है। इन्वेस्टमेंट डिटेरेंट, पर्सिस्टेंट ड्रेनेज इश्यूज के कारण जो डोमेस्टिक है या फॉरेन इन्वेस्टमेंट है सिटी के अंदर, वो कहीं हद तक हैम्पर होती है। लोग नहीं चाहते कि हम वह इन्वेस्टमेंट करें। अब इनको एड्रेस किया जा सके, ऐसे चैलेंजेस तो बहुत सारे हैं लेकिन इनको एड्रेस करना भी ज़रूरी है। इसके लिए अपडेटेड ड्रेनेज मास्टर प्लान बनाने की ज़रूरत है। दिल्ली या गुरुग्राम के अंदर जो प्लान ऑलरेडी अनाउंस हो चुके हैं या जो अब अनाउंस होने वाले हैं, उनमें अपडेटेड ड्रेनेज मास्टर प्लान बनाने की ज़रूरत है। स्पॉन्ज सिटी कंसेप्ट, तो कुछ नेबरिंग पायलटिंग स्पॉन्ज सिटी टेक्निक्स यहाँ इंस्टॉल करने की ज़रूरत है, जिससे एम्फोसाइज होगा प्रीमेबल सर्फेस के ऊपर। और नेचुरल वाटर रिटेंशन की बात भी यहाँ कोशिश की जा सकती है, रिवाइवल ऑफ वाटर बॉडीज, ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल जो वाटर बॉडीज हैं उनका रिवाइवल हो या वेटलैंड का रिवाइवल हो। इम्प्रूव्ड वेस्ट मैनेजमेंट, बेटर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कैन हेल्प प्रिवेंट रेन ब्लॉकेजेस। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, लार्ज स्केल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग कुड सिग्निफिकेंटली रिड्यूस रन ऑफ। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि दिल्ली और गुरुग्राम की जो ड्रेनेज प्रॉब्लम है अपने आप में कॉम्प्लेक्स इशू है, इसको फिक्स करने की ज़रूरत है। इसको बहुआयामी अप्रोच लगा के कैसे बेटर अर्बन प्लानिंग किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड किया जाए, इकोलॉजिकल प्रिजर्वेशन की जाए, क्लाइमेट चेंज अडॉप्ट किया जाए, इन सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। तो यहीं मैं अपने डिस्कशन को रैप अप करता हूँ। और दिल्ली या गुरुग्राम या फिर नोएडा में अक्सर ये चीज़ें हो रही हैं और आप और हम बहुत ज़्यादा नॉलेज ना होने के कारण इसे समझ नहीं पाते हैं। तो आज मैंने कोशिश की कि मैं इसको सम अप करके आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूं कि किस तरह से रैपिड अर्बनाइजेशन हुआ है और क्लाइमेट चेंज हुआ है या ड्रेनेज सिस्टम है वो किस तरह से वर्क कर रहा है। कैसी लगी आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी? अगर जानकारी पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। फ्यूचर में और रेगुलर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार एंड जय हिंद।